ये है एग्जीक्यूटिव ब्लॉक और यहाँ पर जो काम की स्पीड है वो वीवर्स बहुत तेज़ हो चुकी है। ये वो रोड है जो कि फ्रंट का जो मेन ऑफिस है जीएफएस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का, उससे स्ट्रेट आ जाता है और यही रोड आगे जाकर गोल्ड ब्लॉक गेट नंबर 3 में दाखिल होता है जो कि जीएफएस कपड़ा मार्केट की तरफ निकल जाता है। ये पोल क्योंकि घर के बिल्कुल सामने था इसलिए उसकी जो जगह है वो तब्दील की जा रही है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ हसन रजा इस्वानी। व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं इस वक्त नॉट ऑन रेजिडेंसी फेज़ 1 में मौजूद हूँ। फेज़ 1 में अपडेट्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोस की हैं। लास्ट जो मैंने वीडियो आपके लिए शेयर की थी उसमें पैराडाइज ब्लॉक, ओवरसीज ब्लॉक और इसके अलावा सुपीरियर ब्लॉक पर एक वीडियो बनाई थी। अपडेट के हवाले से यहाँ पर जो एक सिचुएशन है वो मैं आपके साथ इस वक्त जो दिखाने के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ, ये है एग्जीक्यूटिव ब्लॉक और यहाँ पर जो काम की स्पीड है वो वीवर्स बहुत तेज़ हो चुकी है। अगर आप उस साइड पे देखेंगे तो ये वो वाला पोर्शन है जहाँ पर जो पार्क है जिसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं वो पोर्शन है। और अगर आप मेरे इस लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो ये वो रोड है जो कि फ्रंट का जो मेन ऑफिस है जीएफएस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का, उससे स्ट्रेट आ जाता है और यही रोड आगे जाकर गोल्ड ब्लॉक गेट नंबर 3 में दाखिल होता है जो कि जीएफएस कपड़ा मार्केट की तरफ निकल जाता है। यहाँ पे जो काम की अपडेट है वो ये है व्यूअर्स के इस वक्त सीवरेज का काम तो पहले ही कंप्लीट था, लाइट के हवाले से भी कंप्लीट था, पानी के हवाले से भी कंप्लीट था, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि पेवर का काम भी यहाँ पर काफ़ी हद तक कम्प्लीट हो चुका है। कुछ गलियाँ हैं जिन पर रह गई हैं पेवर का काम होने में। अगर आप उस साइड पर देखेंगे तो उन गलियों में जो खाका है वो बिछा दिया गया है और लेवल कर दिया गया है। इसके अलावा अब इंशाल्लाह ताला पेवर का काम भी वहाँ पे शुरू होने वाला है और ये चौड़ा रोड जो है वो सीधा आगे जाता है जो कि लेफ्ट पे मेंटेनेंस का ऑफिस आ जाता है जीएफएस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का। और अगर आप राइट वाली साइड पे जाएं तो वहाँ पर ओल्ड एज होम वाली एक पट्टी जो कि सीधा गोल्ड ब्लॉक से आगे निकल जाती है पैराडाइज वगैरह की तरफ। तो व्यूअर्स थोड़ा सा चलते हैं और यहाँ जो काम हो रहा है पेवर का वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आ जाए आप देख सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में पार्क में जो है पानी की तराई का काम हो रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा मरहला आता है, ये इसी तरह चलता रहता है और जितने पार्क्स यहाँ पर मौजूद हैं उस पे इसी तरह टैंकर के ज़रिए पानी की जो तराई है वो की जाती है। और जब यकीन करें ये पानी की तराई होती है तो गर्मी का एक माहौल होता है उसमें जो ठंडी ठंडी हवा उससे दरख्तों से छन कर बाहर आती है उसका अपना ही एक मज़ा है। और ये इसी तरह यहाँ पर जितने पार्ट्स हैं उस पर पानी भी डाला जाता है। ना सिर्फ ये कि जो जीएफएस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैं यहाँ पर अपने अपडेट के हवाले से काम करता है, इसके अलावा पौधों की निगहदाश्त का भी बहुत ज़्यादा ख्याल किया जाता है। तो चलें चलते हैं आगे चलकर और जो पेवर का काम है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। आ जाए, ये चौड़ा रोड है और एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के अंदर यहाँ पर जो है काम की रफ्तार बहुत तेज़ है। आप देख सकते हैं कि ये पेवर ब्लॉक्स के बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और यहाँ तक पेवर का काम हो चुका है। अगर आप इस साइड पे देखें तो ये पेवर का काम यहाँ तक हो चुका है, ये रोड यहाँ तक बना दिया गया है और पीछे जो है वो खाका पड़ा हुआ है। खाका इंशाल्लाह ताला उसको लेवल किया जाएगा, उसके बाद जो है ये भी पेवर का काम यहाँ पे शुरू हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर कुछ थोड़ा सा उसका बिजली का शायद कुछ पोल्स के हवाले से काम हो रहा है, देखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। आए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये पेवर जो है वो लेवल कर दिया गया है लेकिन आमोदरफ्त की वजह से थोड़ा सा ये ख़राब हो गया है और जब इस पर काम शुरू किया जाएगा तो ये देखें आपके
ये पोल क्योंकि घर के बिल्कुल सामने था इसलिए उसकी जो जगह है वो तब्दील की जा रही है। और ये भी GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स इन चीज़ों का बहुत ख्याल करता है कि कोई डिस्टर्ब ना हो, किसी किस्म की रुकावट ना आए, रहने वालों को कोई परेशानी ना हो। तो ये जो वक्ती तौर पे पोल्स लगाए गए हैं जिनमें करंट मौजूद है या सोलर पैनल लाइट्स लगे हुए हैं उसका काम हो रहा है। इसको उस जगह से हटाकर थोड़ा सा उसकी लोकेशन चेंज की जा रही है ताकि रहने वालों को कोई परेशानी ना हो। तो अभी बस ये थी अपडेट एग्जीक्यूटिव ब्लॉग की जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, फिरोजाबाद के चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने होस्ट हसन रजा आसवानी को इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।